Hi guys, welcome back to our channel Doctor's Query. This is Rohit, fourth year student from Premier Federal University and we are back with our new video. So guys, हमने अपने last video में बात की थी Kazan Federal के disadvantages and advantages के बारे में. तो अगर आपने वो video नहीं देखी है अब तक तो go check it out. बहुत informative videos हैं. और उससे पहले हमने Kazan Federal University के बारे में बात की थी, उसमें हमने budget के बारे में बताया था, education plan के बारे में बताया था और Kazan City के बारे में बताया था. तो वो भी बहुत informative video है, तो जाके प्लीज़ उसको देखिए. तो गाइस, आज की वीडियो में बात करते हैं. तो आज हम लाए हैं एक और फेडरल यूनिवर्सिटी और इसका नाम है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी. ये यूनिवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है और बहुत ज़्यादा मार्केट में भी है, तो इसलिए हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं. और इसका एक और रीज़न है कि ये फेडरल यूनिवर्सिटी है और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, रशिया में बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है. तो ये भी आप एक ऑप्शन रख सकते हैं इफ़ यू आर अप्लाइंग इन MBBS अब्रॉड. चलिए बात करते हैं हिस्ट्री एंड सिटी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. तो ये यूनिवर्सिटी 1899 में इस्टेब्लिश हुई थी व्लादिवोस्तोक सिटी में. व्लादिवोस्तोक सिटी जो है वो अपने बॉर्डर शेयर करती है चाइना और नॉर्थ कोरिया के साथ. सो यहाँ पर आपको थोड़ा एशियन कल्चर भी देखने को मिलेगा. इसके अलावा अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है अगर हम रशिया के और रीजन्स के कंपैरिजन में बात करें. यहाँ पर अगर एवरेज टेम्परेचर हम देखें तो विंटर्स में -25 डिग्री सेल्सियस रहता है और समर्स में ये 25 डिग्री सेल्सियस रहता है. इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका डिस्टेंस कितना है मॉस्को से. सो मॉस्को से अगर हम इसका डिस्टेंस देखते हैं तो ये 6000 किलोमीटर्स है. और अगर हम फ्लाइट से वहाँ पर जाते हैं मॉस्को से तो ये 9 से 10 घंटे आपके लेगा. सो टोटल जर्नी जो आपकी फ्रॉम दिल्ली टू व्लादिवोस्तोक सिटी होगी वो टोटल आपकी 15-16 आवर्स पड़ेगी. सो ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज है फार ईस्टर्न फेडरल का कि ये थोड़ा दूर है मॉस्को से. चलिए अब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में फॉर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी. सो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी एक बहुत ही डिसिप्लिन और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी है. यहाँ पर 40,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड और यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो 100 प्लस हैं फॉर नाउ. अब बात करें सीट्स की तो यहाँ पर 150 से 200 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड रैंकिंग्स की. तो वर्ल्ड रैंकिंग में अगर हम QS वर्ल्ड रैंकिंग की बात करते हैं तो ये 434 पोजीशन पर है और अगर हम कंट्री रैंकिंग की बात करते हैं तो ये 17 पोजीशन पर आता है. इसके अलावा अगर हम द वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो इसको वर्ल्ड में 1001 रैंकिंग मिली है और कंट्री रैंकिंग इसकी 17 है. चलिए अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में. सो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर टेकिंग एडमिशन इन फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, इट इज़ दैट यू शुड हैव 50% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन योर 12th क्लास एंड योर नीड शुड बी क्वालिफाइड. एडमिशन प्रोसेस के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, सो इफ़ यू हैवन चेकड इट आउट यू कैन चेक इट आउट एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी इन रशिया. इसके बाद हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में. तो एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे लेवल का होता है सिंस यहाँ पर 150 से 200 ही सीट्स अवेलेबल है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो 1000 प्लस स्टूडेंट्स अप्लाई एवरी ईयर इन दिस यूनिवर्सिटी. सो यहाँ पर एडमिशन थोड़ा टफ होता है. इसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं तो हमारे बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ये दो सब्जेक्ट्स आते हैं इन एंट्रेंस एग्ज़ाम. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से रिकगनाइज्ड है ये यूनिवर्सिटी. सो ये WHS रिकगनाइज्ड है, NMC इंडिया की जो मेडिकल काउंसलिंग बॉडी है वहाँ से, USA सो आप USA में ही दे सकते हैं, UK तो आप क्लैब दे सकते हैं और इसके अलावा अगर आप यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो
तो पीजी कोर्सेज के लिए जो भी मेजर कंट्रीज हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, कनाडा, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी NMC की सारी गाइडलाइंस फॉलो करती है और ये कंप्लीट इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है फॉर होल 6 ईयर्स। चलिए अब बात कर लेते हैं बजट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर आपको फीस बताई जाएगी वो सब रूबल्स में होगी। सो अगर आपको रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करना है तो आप गूगल पर रुपीज़ का रेट देखकर रूबल्स के हिसाब से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्यूशन फीस के बारे में। तो यहाँ की जो ईयरली ट्यूशन फीस है वो है 3,90,000 रूबल्स। इस साल ये अपडेट हुई है, सो इट इज़ 3,90,000 रूबल्स। अगर हम 6 ईयर्स के लिए इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये 23,40,000 रूबल्स बनती है। इसके बाद हॉस्टल की अगर हम बात करें तो ये 40,000 रूबल्स है फॉर 1 ईयर। सो अगर हम 6 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये 2,40,000 रूबल्स बन जाता है। इसके अलावा जो आपको पर्सनल एक्सपेंस आता है ये हम एवरेज लेके चलते हैं 10,000 रूबल्स पर मंथ। तो अगर आप 1 साल के लिए 10,000 रूबल्स लगाते हैं तो 10 महीने का एक ईयर होता है, तो 1,00,000 रूबल आपको पर्सनल एक्सपेंस में एवरेज मिल जाता है। इसके अलावा आपकी फ़्लाइट टिकट्स होती हैं और ये पर्सनल एक्सपेंस आपका अप एंड डाउन हो सकता है रिगार्डिंग टू योर चॉइस। इसके अलावा जो एक्सपेंस आते हैं वो आते हैं मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वन टाइम चार्जेस एंड योर वीज़ा एक्सटेंशन। सो दीज आर ऑल्सो सम एडिशनल चार्जेस। सो अगर हम सब चीज़ कैलकुलेट करते हैं जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वन टाइम चार्जेस, वीज़ा एक्सटेंशन एंड योर पर्सनल एक्सपेंसेस, अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो आपका फर्स्ट ईयर का जो बजट है वो आपको पड़ता है 6.15 लाख रूबल्स। इसको आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं आज से गूगल रेट देखकर। इसके अलावा अगर हम टोटल बजट की बात करें तो सब चीज़ कैलकुलेट करके आपको टोटल बजट जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का मिलता है वो है 34 से 35 लाख रूबल्स। तो ये थी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में बात। हमने इसमें बताया आपको बजट, यहाँ की सिटी, यहाँ के एजुकेशन प्लान के बारे में और क्यों आपको ये यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए, क्यों इसका बजट इतना हाई है। सो गाइस, आने वाली अपनी वीडियो में हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस के बारे में इस यूनिवर्सिटी के। और पहले वाली हमारी वीडियोज़ में हमने बात की थी करजान फेडरल के बारे में और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सो गाइस, स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड और दिस यूनिवर्सिटी, you can contact us on WhatsApp. All the important numbers are given in the description box, and if you have any query you can also write it in the comment section. We will reply you as soon as possible. So guys, stay safe, stay healthy, and goodbye.